स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल पे कॉटिक्स लाइव ट्रेडिंग। और उम्मीद करती हूँ आपका दिवाली काफ़ी अच्छा गुजरा होगा। इस वीडियो में हम फिर से कंपाउंडिंग करने वाले हो और आप देख रहे हो कि हमारे पास काफ़ी छोटा अमाउंट है और हम यहाँ पर पैराबॉलिक को ले रखे हैं बिकॉज आप में से किसी ने कहा था कि पैराबॉलिक का डेप्थ वीडियो लाने के लिए। तो इस वीडियो में मैं पैराबॉलिक को लेकर अच्छे से यहाँ पर समझाने वाली हूँ और शेयर करने वाली हूँ अपनी ट्रेडिंग ट्रिक्स एंड टिप्स। और यहाँ पर प्लीज़ अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट जाना है तो मेक श्योर कि आप पूरा वीडियो को देखो। और मैं यहाँ पर श्योर हूँ कि मैं डाउन डायरेक्शन का ट्रेड फेस करूंगी बट मार्केट की मूवमेंट यहाँ पर अप है जो हमको मार्केट में ट्रैप करने का कोशिश है। तो इसलिए हमको यहाँ पर वेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर स्कैंडल के खत्म होने के बाद जो अगली ट्रेड होगी वो मेरी डाउन डायरेक्शन में होगी। ऑफकोर्स मार्केट थोड़ा अप तो जाएगा ही बट मैं ट्रेड लूंगी यहाँ पर डाउन। तो क्या एंट्री पॉइंट है, कैसे आप ट्रेड प्लेस करोगे, सब कुछ जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहो। और इतना ही कहूंगी कि अगर आप चैनल में नए हो देन मेक श्योर कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना बिकॉज इस चैनल पे आपको ऐसे ही ट्रेडिंग वीडियोज़ मिलते रहती है। और ना सिर्फ वीडियोज तक हम लिमिटेड हैं बल्कि ये जो ट्रेडिंग सिग्नल्स है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे। काफ़ी लोग उससे प्रॉफिट ले रहे हैं और गिव अवे भी चल रहा है तो मेक श्योर कि आप गिव अवे में ज़रूर पार्टिसिपेट करो। एक अच्छा मौका है हमारे बस लर्निंग के साथ अर्निंग करने का। और साथ ही साथ मैं बार बार कहती हूँ गाइज वी आर फैमिली, तो अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो टेलीग्राम पे या कमेंट पे। बट कुछ लोग कहते हैं कि मैं रिप्लाई नहीं कर रही थी, सो सॉरी यार, प्लीज़ आई एम सो सो सॉरी बिकॉज फेस्टिवल का भी माहौल था और तबीयत भी ठीक नहीं था और कुछ बिजी स्केड्यूल था, सो 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 सॉरी। और आप बाकी मुझे प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हो या फिर टेलीग्राम पे अपना बातें शेयर कर सकते हो। तो फर्स्ट ट्रेड बहुत रिस्की है लेकिन आई श्योर किया। तो फर्स्ट ट्रेड गया, देखो मेरा विन हो गया। अब क्यों ट्रेड लिया इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहले पैराबॉलिक का कॉन्सेप्ट, आपको दिख रहा है कि पैराबॉलिक ऊपर में शिफ्ट हो गया जो कि हमको क्या दे रहा है, सिग्नल डाउन का। अगर जो लोग नए हैं तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताती हूँ। अगर ये मेरा कैंडल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, अगर कैंडल के ऊपर में पैराबॉलिक फॉर्म होता है ना तो ये हमको डाउन डायरेक्शन की सिग्नल देता है, इतना तो हमको पता है। सिमिलरली यार अगर मार्केट में हमको दिख रहा है कि ये अप डायरेक्शन का ट्रेंड है तो पैराबॉलिक कैंडल के नीचे फॉर्म होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा पैराबॉलिक था वो ऊपर फॉर्म हो गया है लेकिन जब ये नीचे फॉर्म था तभी मैं डाउन डायरेक्शन का ट्रेड बेस कर दी थी। बिकॉज देखो यहाँ पर अगर हम देखें, अगर मार्केट की हिस्ट्री को हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ से डिमांड ऊपर गया है और यहाँ पर मेरा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग SNR लेवल है। बिकॉज ये जो एक ऐसा पॉइंट है ना जिसकी वजह से जो मार्केट ऊपर गया है उसके बाद मार्केट ऊपर ही गया है। अगर हम यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, यहीं से अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो बार बार मार्केट ट्रेंड लाइन को टच करता है और वो अप जाता है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग लेवल है। अब स्ट्रॉन्ग लेवल है तो मार्केट यहाँ पर तो थोड़ा सा स्टक करेगा ही करेगा इस लेवल पर, है ना। बिकॉज मार्केट जब इसको तोड़कर डाउन जाएगा तो ये जो मेरा लेवल है, जो मेरा सपोर्ट लेवल है, वो क्या बन जाता है, रेजिस्टेंस बन जाता है। तो यहाँ पर मैं श्योर हो गई कि मार्केट डाउन जाएगा। अब मैं कंफर्म इस तरीके से हुई कि यहाँ पर जो पैराबॉलिक जो बन रहा है ना इसका डिस्टेंस बहुत मैटर करता है। ये मैं आपको कहीं और बताऊंगी जहाँ पर हमको बड़ा ग्राफ दिखने को मिलेगा। अभी के लिए इतना समझो कि यहाँ पर जो मेरा कैंडल है, 1 2 3 4 कैंडल लगभग एक ही जगह फॉर्म होकर एक फिर से रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट कर दिया है। तो यहाँ से मैं श्योर हो गई कि मार्केट यहाँ से डाउन जाएगा और अगले ही वक्त आप देखते हो कि पैराबॉलिक भी शिफ्ट हो गया है। तो ये था मेरा फर्स्ट ट्रेड का कॉन्सेप्ट, आई होप आपको समझ में आया हो। और यहाँ पर मैं ट्रेड प्लेस कर दी थी शायद डाउन डायरेक्शन का, यहीं पर आसपास कर दी थी क्योंकि मार्केट एटलीस्ट इस सपोर्ट तक आने का कोशिश करेगा तो मेरे पास एक अच्छा डिस्टेंस था, इसलिए मैंने यहाँ पर डाउन डायरेक्शन का ट्रेड इस कैंडल पर प्लेस कर दिया था बिकॉज यहाँ पर 4 कैंडल ने एक रेजिस्टेंस लेवल भी बना रखा है। आई होप आपको क्लियर है। तो फर्स्ट ट्रेड हमारा विन हो गया है। ऐसे ही हम और भी चीज़ों को समझेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखना और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम एक और इंडिकेटर का यूज़ करेंगे, ऑसिलेटर का यूज़ करेंगे ताकि हम मार्केट से और कंफर्मेशन ले सकें और हम आसानी से अपने जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको बढ़ा सके। कैसे बढ़ाएंगे, विथ डेप्थ नॉलेज। तो चलो यहाँ पर अपनी सेकंड ट्रेड पेस करेंगे हम। और यहाँ पर जो मेरी ट्रेड पेस होगी बहुत ही सुंदर सा मौका है हमको, बहुत ही सुंदर। ओ माय गॉड, व्हाट अ रिजेक्शन हियर बेबी, कितना बड़ा रिजेक्शन देखने को मिला डाउन डायरेक्शन का। बट मैं श्योर हूँ कि मार्केट विल श्योरली ट्राई टू गो इन अप डायरेक्शन। वाई? बिकॉज मार्केट को यहाँ पर बहुत ही हार्ड रिजेक्शन दिखने को मिला है बिकॉज ऑफ दिस खिचड़ी। यहाँ पर देख रहे हो कितना ऐसा एकदम भरा पड़ा है, एकदम लेवल भरा पड़ा है, ठीक है। मार्केट अगर डाउन जाता है देन मैं अपवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस करूंगी। ओके
ठीक है, एंट्री तो छूट गया, शायद मैं यहाँ पर करती तो ज़्यादा अच्छा होता, बट कोई नहीं। अब यहाँ पर क्या हुआ यार, इसको समझो। सबसे पहले तो ये कैंडल पूरा यहाँ तक फॉर्म हुआ, यहाँ तक पूरा इस लेवल को इसने टच कर दिया। बायर्स इसको प्राइस लेकर ऊपर लेकर गए, लेकिन कहीं ना कहीं सेलर्स बैठे हुए हैं। पूरा का पूरा ये जो लेवल है, यहाँ पर खिचड़ी पका है, तो इस कैंडल को बहुत ही स्ट्रांगली फेंका गया था नीचे और इसका बॉडी इतने में खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमको पता चल गया कि मार्केट ने रिजेक्शन ले लिया। किसका रिजेक्शन ले लिया? इस रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट ने एक्सेप्ट कर लिया। बट पैराबोलिक का अप डायरेक्शन का सिग्नल है, और ऐसा वैसा अप डायरेक्शन का सिग्नल नहीं है, स्ट्रांग है। मतलब कि पैराबोलिक और कैंडल के बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ रही है। ठीक है, अब ये डिस्टेंस का क्या फंडा है ये मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगी, तब तक नहीं तो मैं क्या बता हो जाएगा, मैं डिस्टेंस का बताने के चक्कर में यहाँ क्यों ट्रेड ली ये भूल जाऊंगी बताना। तो पहले मैं ये बता देती हूँ कि यहाँ पहला तो डिस्टेंस हो गया और मार्केट रिजेक्ट हो गया था। ओके, तो मार्केट ऑलरेडी रिजेक्ट भी हो गया था। अब मैं इसलिए ट्रेड पेस की थी बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखो तो मेरा एक सपोर्ट लेवल है। ठीक है, यहाँ पर मेरा सपोर्ट लेवल है और यहाँ पर आप देख रहे हो कि सपोर्ट लेवल पर मार्केट ने अपनी जो रेड कैंडल है वो अपनी मोमेंटम को घटाया है, वो छोटा बना है। छोटा बनने के बाद फिर से ग्रीन कैंडल ने अपनी मोमेंटम को बढ़ाया है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ को हम देख रहे हैं। और यहाँ पर यार, यहाँ पर आप देखो कि मार्केट में एक रेजिस्टेंस लेवल ये है और एक दूसरा रेजिस्टेंस लेवल ये है, और मार्केट में बहुत ही पावर से इस कैंडल ने इस दोनों रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके ऊपर चला गया, बट यहाँ पर रिजेक्ट होकर ये फिर से वापस यहाँ पर आ गया। तो हमको यहाँ पर पता चला कि मार्केट में जो बायर्स का मोमेंटम है बहुत स्ट्रांग है, हालांकि यहाँ पर रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से ये मेरा कैंडल रिजेक्ट हुआ है। बट यहाँ पर पैराबोलिक को मैंने देखा तो वो हमको अपर डायरेक्शन के ही सिग्नल दे रहा था, एंड अगेन एक सुंदर ग्रीन कैंडल मेरे को मोमेंटम वाली दिखी थी। तो यहाँ पर कुल मिलाकर बायर्स भी काफ़ी छोटे फॉर्म हो रहे थे, तो ये छोटे छोटे फॉर्म होकर काफ़ी अपना एनर्जी भी बना लिए है, और छोटे इसलिए फॉर्म हुए बिकॉज ये SNR लेवल पर थे। बट छोटे छोटे फॉर्म होने का ही मतलब नहीं है कि हम अप डायरेक्शन का ट्रेड लिए, बिकॉज यहाँ से रिवर्सल भी हो सकता है, जिसके लिए हमको पैराबोलिक अप डायरेक्शन में चाहिए, जो हमको नहीं मिल रहा था। हमको मिल रहा था पैराबोलिक और कैंडल के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा था, दैट्स व्हाई मैंने अप डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस किया। और मार्केट में एक अच्छा लेवल मेरा यहाँ पर है, तो मार्केट एटलीस्ट वहाँ तक आने का कोशिश करता। अब पैराबोलिक और कैंडल के बीच में डिस्टेंस का क्या फंडा है, तो इसको समझते हैं। लेट सपोज कि ये मेरा कैंडल है, ठीक है, रेड कैंडल है, तो अगर ये रेड कैंडल है तो हम इसको रेड कलर से भर भी देते हैं। तो ये हो गया मेरा, एक सेकेंड, ये है मेरा यहाँ पर रेड कैंडल। ओके, थोड़ा सा वैसे मैं इसको और अच्छे से करना चाहती हूँ ताकि हमको विजिबल हो जाए। ठीक है, अब आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये मेरा रेड कैंडल है। अब रेड कैंडल में ये मेरा क्या हो गया, हाई हो गया, ये क्या हो गया, लो हो गया, क्योंकि रेड हो चाहे ग्रीन हो सबका हाई लो एक ही होता है ना। अब यहाँ पर ये जो कैंडल है इसका ओपनिंग प्राइस क्या है, ये मेरा क्लोजिंग है और ये मेरा ओपनिंग है, तब ना मार्केट यहाँ से ओपन हुआ क्लोज लेकिन नीचे हो रहा है, तब ये डाउन ट्रेंड हो जाता है। अब लेट सपोज कि मेरा पैराबोलिक यहाँ फॉर्म हुआ है और ये है मेरा कैंडल का क्लोजिंग, तो मेरा कहने का मतलब है कि पैराबोलिक और कैंडल के बीच में अगर जो डिस्टेंस है वो बढ़ते जाएगा, जैसे कि अब एक कैंडल यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा क्योंकि ये डाउन डायरेक्शन का मैं बना रही हूँ, तो ये क्या हो गया कि अच्छा, आपको यहाँ पर शायद हो सकता है कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन ना कर रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ जहाँ पर ये घटना घट रही है। जैसे कि आप यहाँ पर देख लो, पैराबोलिक और कैंडल के बीच में जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा वो उतने स्ट्रेंथ को शो करेगा। यहाँ पर डिस्टेंस कम हो गया जो कि मेरे लिए नेगेटिव साइन था, यहाँ से हमको ये, जैसे कि यहाँ पर देखो डिस्टेंस बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, जैसे जैसे घट रहा है वैसे वैसे ट्रेंड रिवर्सल की सिग्नल मिलती है, और जैसे ही डिस्टेंस बचेगा ही नहीं हमको समझ जाना है कि ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, लेकिन तुरंत ट्रेड नहीं ले लेंगे, एटलीस्ट हमको दो पैराबोलिक डाउन डायरेक्शन में चाहिए, दो पैराबोलिक डाउन डायरेक्शन में चाहिए और दो ग्रीन कैंडल अच्छी अच्छी मिलनी चाहिए, तो हम अप डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि पैराबोलिक के साथ आप किस इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हो जो आपको काफ़ी अच्छा और शॉर्ट शॉर्ट देगा। तो जनरली मैं पैराबोलिक के साथ जो यूज़ करती हूँ, आप यहाँ इंडिकेटर सेक्शन में अगर ऑसिलेटर की बात करो तो RSI को यूज़ कर लो बाय डिफ़ॉल्ट वॉल्यूम वैल्यू में। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर RSI को रखा है। अब कुछ यहाँ पर हम समझ कुछ नए कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम यहाँ पर चेंज करेंगे एसेट को। ओके यार, तो यहाँ पर हम समझेंगे कि मार्केट में क्या हो रहा है, और यहाँ पर जो हमको दिखने को मिल रहा है बहुत ही सुंदर सा चीज़ दिखने को मिल रहा है। इस कैंडल को देखने के बाद ये जो ट्रेड है मेरा वो डाउन डायरेक्शन का होगा।
यहाँ पर आप देख रहे हो कि काफी कम सेकंड रह गए हैं और शायद ये ट्रेड हमको लॉस होगा या फिर प्रॉफिट है। ओके, तो ये ट्रेड मेरे को लास्ट में एकदम प्रॉफिट हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिस्की था। तो ये ट्रेड मैंने इसलिए लिया था बिकॉज मार्केट क्या किया था, RSI की लाइन 30 लाइन को टच करके ऊपर जा रही थी और वापस 30 लाइन को टच करने के लिए नीचे आ रही थी, टच नहीं की थी, टच करने वाली थी। तो मेरे को पता चल गया कि मार्केट थोड़ा सा और डाउन जा सकता है। दूसरा जो मैंने देखा था कि पैराबोलिक भी मेरा कैंडल के ऊपर फॉर्म हो रहा है और इतना ज़्यादा सपोर्ट लेवल का ब्रेकआउट हुआ है, तो मार्केट में जो ओवरऑल सेलर्स का मोमेंटम है वो स्ट्रांग है। बाकी मैंने क्यों प्लेस किया था इसको हम समझेंगे अगली अगली ट्रेड में, जहाँ पर ये जो मेरी अमाउंट होगी वो $1,000 की होगी। और मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, क्या पता आपको ये वीडियो में अभी बिकॉज हम लोग दिवाली मना रहे थे तो शायद मोमेंटम कैसा है कमेंट बताना, आपके कमेंट्स भी आना बंद हो गए थे, तो मैं अभी देखूंगी आप लोग कितना अलर्ट हो, उसके बाद फिर मैं आगे वीडियो बनाऊंगी। अब यहाँ पर मार्केट में जो मोमेंट्स अब ये कैंडल देखो, कैंडल रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको वीडियोज़ में बहुत बार बना के बताया है। ये कैंडल की जो रिएक्शन है वो मेरे को क्या बता रही है, ये मेरे को ये बता रही है कि बायर्स यहाँ पर एक्टिव है। ठीक है, मैंने $1,000 का ट्रेड अप डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर दिया है। यद्यपि जो हमारी पैराबॉलिक है वो कैंडल के नीचे है, उसके बावजूद जो कि अप डायरेक्शन का हाँ ये तो अप डायरेक्शन का ही सिग्नल दे रहा है, तो मैंने अप डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस किया, अच्छा तो है। मतलब ये देखो मेरे को अप डाउन डायरेक्शन का सिग्नल दे रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर श्योर हूँ कि ये ट्रेड हमको विन होगा। अप डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस किया है क्योंकि यहाँ पर जो RSI है वो देख रहे हो कि ये मूवमेंट हमको ऐसे डाउन जाकर ऐसे अप जा रहा है, जो कि हमारे लिए और अच्छा है। जैसे कि एक चीज़ है, जैसे कि अगर आपका RSI में 50 लाइन है, अगर मार्केट 50 लाइन से ऐसे अप जाता है ना, तो ये मेरे लिए उतना स्ट्रांग सिग्नल नहीं है। बजाय अगर मार्केट फिर से डाउन जाता है और अब अगर ये 50 लाइन को सपोर्ट लेकर अगर अप जाएगा ना, तो यहाँ पर जो मेरी एंट्री पॉइंट होगी वो मेरी स्ट्रांग होगी, वैसे ही रेजिस्टेंस लेवल का है। अगर मार्केट ऐसे करके डाउन जाएगा तो मेरे को डाउन डायरेक्शन सिग्नल ज़्यादा तगड़ी नहीं मिल रही है, मैं RSI का बता रही हूँ। लेकिन मार्केट अगर अप जाकर वही 50 लाइन को रेजिस्टेंस लेकर अगर डाउन जाएगा, तो यहाँ पर मेरे को डाउन डायरेक्शन की सॉलिड सिग्नल मिलती है। अगर मार्केट यहाँ पर एक जगह रेजिस्टेंस लेवल पर है और पैराबोलिक भी डाउन डायरेक्शन की सिग्नल दे रहा है, तो इसी के साथ यहाँ पर मैंने ट्रेड को विन कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट में बताना। और यहाँ पर ट्रेड लेने का कॉन्सेप्ट था अप डायरेक्शन का ट्रेड, बिकॉज मार्केट में ये जो कैंडल है ये मेरे को बहुत ही स्ट्रांग रिजेक्शन को दिखा रही है। मार्केट डाउन तो गया लेकिन बहुत ही गंदे तरीके से इसको बायर्स ने फेंका है अप डायरेक्शन में। और कहाँ पर ये घटना घटा है यार, कहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर घटा है, एक SNR लेवल पर घटा है। RSI का भी सिग्नल अप डायरेक्शन का था, तो यहाँ से मैं श्योर हुए कि मार्केट तो भाई अप जाएगा। और यहाँ पर एक मेरा रेजिस्टेंस था जिसकी वजह से ये जो दो पैराबोलिक है मेरे को अपोजिट सिग्नल दिया था, जो कि फेक सिग्नल था, बट आपको यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन को फॉलो करके आपको प्रॉफिट बुक करना है। आई होप कुछ वीडियो में अच्छा लगा हो, अगर नहीं लगा हो तो आप मुझे पर्सनली टेलीग्राम पे बता सकते हो और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, गिव अवे में ज़रूर पार्टिसिपेट करना और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कुछ और चीज़ें पैराबोलिक की और सीक्रेट और एडवांस चीज़ें। तो यहाँ पर काफ़ी लोग लर्निंग लेते हैं, तो सबका लेवल का लेकर मैं चलती हूँ कि सबको ये वीडियो समझ में आए। चूँकि देखा जाए तो मैं और बेसिक से बता सकती थी, बट हो सकता है कि कई लोग को पता हो, इसलिए मैंने इतना से बताया है। बाकी इस वीडियो अगली वीडियो में मैं और एडवांस लेवल का कवर करूँगी। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।